हेलो दोस्तों, आज हम आपको बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर कवल शर्मा सर के डायरेक्टर करियर के बारे में बताएंगे। कवल शर्मा ने 1980 में आई मूवी बदला और बलिदान से अपने डायरेक्टर करियर की शुरुआत की थी। इस मूवी के लीड कास्ट में राजेंद्र कुमार, आशा पारेख, मौसमी चटर्जी और विनोद मेहरा शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। 1988 में कवल शर्मा की मूवी आई जीते हैं शान से। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, मंदाकिनी, संजय दत्त और गोविंदा शामिल थे। इस मूवी का बजट 2,50,00,000 रहा। भारत में कमाई 4,20,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 5,50,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी हिट रही। इसी साल कपिल शर्मा की एक और मूवी आई मरबटेंगे। इस मूवी के लीड कास्ट में जीतंदर, मिथुन चक्रवर्ती, माधवी, भानुप्रिया, शक्ति कपूर, कादर खान और अमरीश पुरी शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी अबव एवरेज रही। इसी साल कवल शर्मा की चौथी मूवी आई माला माल। इस मूवी के लीड कास्ट में नसरुद्दीन शाह, पूनम ढिल्लों, मंदाकिनी, सतीश शाह और अमजद खान शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी एवरेज रही। 1989 में कवल शर्मा की मूवी आई दाव पेच। इस मूवी के लीड कास्ट में जीतंदर, भानुप्रिया, शक्ति कपूर और प्रेम चोपड़ा शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी हिट रही। इसी साल कवल शर्मा की एक और मूवी आई उस्ताद। इस मूवी के लीड कास्ट में विनोद खन्ना, आशा पारे, किमी काटकर, जया प्रदा, चंकी पांडे, शक्ति कपूर और डैनी शामिल थे। इस मूवी का बजट 1,75,00,000 रहा। भारत में कमाई 85,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 1,36,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 1990 में कवल शर्मा की मूवी आई जमींदार। इस मूवी के लीड कास्ट में राजीव कपूर, अनीता राज, विनोद मेहरा, किमी काटकर, विश्वजीत चटर्जी और रंजीत शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल कवल शर्मा की एक और मूवी आई पाप की कमाई। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, संगीता बिजलानी, शिल्पा शिरोडकर, गुलशन ग्रोवर, कुलभूषण और प्रेम चोपड़ा शामिल थे। इस मूवी का बजट 1,60,00,000 रहा। भारत में कमाई 1,20,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 2,08,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल कपिल शर्मा की नौवीं मूवी आई गुनाहों का देवता। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, संगीता बिजलानी, सुजाता मेहता, शक्ति कपूर, आयत पंचोली और परेश रावल शामिल थे। इस मूवी का बजट 1,65,00,000 रहा। भारत में कमाई 2,90,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 5,20,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी एवरेज रही। 1993 में कपिल शर्मा की मूवी आई बेचैन। इस मूवी के लीड कास्ट में मालविका तिवारी, धारा सिंह, राजा मुराद, शक्ति कपूर और अमजद खान शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी डिजास्टर रही। 1996 में कपिल शर्मा की मूवी आई नमक। इस मूवी के लीड कास्ट में संजय दत्त, फरहानाज, जगदीप, राजा मुराद, शक्ति कपूर और प्रेम चोपड़ा शामिल थे। इस मूवी का बजट 1,25,00,000 रहा। भारत में कमाई 32,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 56,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। 1999 में कवल शर्मा की मूवी आई हीरा लाल पन्ना लाल। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, जॉनी लीवर, मोहन जोशी और शक्ति कपूर शामिल थे। इस मूवी का बजट 1,00,00,000 रहा। भारत में कमाई 84,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 1,00,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। 2012 में कपिल शर्मा की मूवी आई दिल्ली आई। इस मूवी के लीड कास्ट में राकेश बेदी, नितिन गुरवानी, रंजीत कपूर और राजू खेर शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी डिजास्टर रही। और यही अब तक की कपिल शर्मा सर की रिलीज होने वाली आखिरी मूवी साबित हुई है। दोस्तों, आपको कवल शर्मा सर का डायरेक्टर कैरियर कैसा लगा और आने वाली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में बताएं। साथ में हमारे चैनल ऑल मूवी कलेक्शन को सब्सक्राइब करें आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। प्लीज दोस्तों, थैंक यू।